वेल हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आप बताते हैं फिर से कम्युनिकर्स। सो वेल, काफ़ी टाइम वीडियो नहीं आ रही, एक्चुअली में टाइम पे आ रही है वीडियो। एंड मुझे बहुत बड़ा मैं बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ कि भाई वीडियो टाइम पे कैसे डाल पा रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता। एंड कब तक वीडियो टाइम पे आएगी मुझे खुद नहीं पता है। सो वेल, आप में से बहुत से लोगों को दिक्कत आती है कि जिप फाइल को कैसे एमसी पैक में कन्वर्ट करें, एंड एमसी पैक एक्चुअली में है क्या, एमसी पैक की फाइल में है क्या, यानी कैसे अपने माइनक्राफ्ट ऑटोमेटिकली माइनक्राफ्ट में चली जाती है। सो वेल, मैं पूरे आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। एंड आपको ये भी बताने वाला हूँ कैसे आप लोग इसे कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर इसको बहुत से लोगों को कन्वर्ट करना नहीं आता है तुम में से। एंड बहुत से लोग अभी भी इंटरनेट पर सर्च करते हैं कि एम सी पैक को फाइल को सर्च करें, कैसे कन्वर्ट करें, एंड कैसे काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत आती है। सो वेल, आज मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। सो वेल, लाइक कर दो, और तुम लोग चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। एंड जो बेल वाला आइकन है उसको ऑल पे आके सेट कर देना, मतलब जल्दी से ऑल पे आके सेट कर देना, क्योंकि बहुत से लोगों को नोटिफिकेशन की दिक्कत आती है। तो तुम लोग भी सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन ऑल करना मत भूलना। एंड हाँ, वीडियो को पूरा देखना जिससे कि आप लोग पूरी डिटेल में समझने वाले हो। सो वेल, बात यह है कि गाइस, तुम बहुत से लोगों को बस इतना ही पता होगा कि आधे से ज़्यादा लोगों को ये पता होगा कि हम लोग एक एमसी पैक फाइल को हम लोग इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं माइनक्राफ्ट में, जो कि सिंपल बस स्टेप्स कुछ स्टेप्स के मतलब फॉलो करना है आपको। एंड मैं आपको करके भी दिखा सकता हूँ। सो वेल, आपको सिंपल जैसे में डाउनलोड ऑप्शन पर जाना है, जो कि आपको फाइल मैनेजर में मिल जाएगा। अपने फाइल मैनेजर में मिल सकता है, या तो आप लोग अपने जाके फाइल में जाके कर सकते हो। सो सिंपली आप लोगों पे एक जिप फाइल मिलेगी, आप लोगों को एमसी पैक फाइल मिलने वाली है, उस पर क्लिक करना एंड टेक्स्ट टू फॉर्मेट पे क्लिक करना एंड सिंपली माइनक्राफ्ट सर्च करना है। जबकि जो भी फाइलें होंगी, जो भी आपका टेक्सचर पैक होगा, रिसोर्स पैक होगा, वो ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा अपने जो फाइल के लोकेशन पर। एंड ये काफ़ी ज़्यादा ईजी स्टेप है। तो तुम लोगों को बस यही देखकर पता होगा, मुझे पता है, आधे से ज़्यादा लोगों को तुम्हें सिर्फ नहीं पता होगा कि हम लोग ऐसे कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जिप फाइल को भी ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, एक नॉर्मल फाइल को भी ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एक नॉर्मल फाइल हो गई सिंपल सी, जिसमें कोई भी जिप फाइल नहीं है, ना कोई एमसी पैक है, सिंपल एक फाइल है, उसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे एमसी पैक के अंदर। तो इसलिए तुम लोगों को बस जरूरत पड़ेगी जेड आर्चिवर की। कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं, दो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा यूज़ करना ही करना है। सो वेल, तुम लोग को जेड आर्चिवर की जरूरत पड़ने वाली है। सिंपली इसको ओपन करना एंड जितनी मेरे को फाइल जहाँ पे पड़ी होंगी, जिसकी कोई डाउनलोड है ऑप्शन पर, जिसकी मेरे तो अभी डाउनलोड्स के अंदर पड़ी हैं बहुत सारी फाइलें, जिसकी टेक्स्चर पैक हो गए, सोर्स पैक हो गए। एंड तुम लोग को यहीं पर जाना है एंड सिंपल एक फाइल, जिसकी मैं भी चुन लेता हूँ कोई भी फाइल। तो अभी मैंने अभी डायनेमिक लाइटिंग वाला एक एड ऑन है गाइस, डायनेमिक लाइटिंग वाला। सो वेल, इसको मैंने अभी फटाफट से इसको चुन लिया है एंड फटाफट इसको हम लोग जिप से कन्वर्ट करने वाले हैं एमसी पैक के अंदर। तो आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है। सो वेल, अभी इसमें सिंपल सा जिप का जो लिखा हुआ है, सिर्फ टेक्स्ट को भी हटाना है, डॉट मत हटाना, ठीक है। एंड एमसी पैक को बस सिंपली रीनेम कर देना, एमसी पैक जो आपकी फाइल है ऑटोमेटिक एमसी पैक में चली जाएगी। सो वेल, सबसे इजी मेथड है एंड आप लोग देख सकते हो, मैं से सिंपली भी जिप में कन्वर्ट कर रहा हूँ, आप उससे कन्वर्ट कर सकते हो इजीली जिप से लेकर एड ऑन में एंड एमसी पैक में, एंड एमसी पैक से लेकर जिप में। एंड बहुत इजी मेथड है, बस कुछ नहीं, बस रीनेम करना है। एंड ये बच्चे बच्चा कर लेता है तो आप लोग भी कर लोगे, मुझे पता है। एंड एक और बात गाइस, अभी आप बात करते हैं जिप फाइल को जो आप लोग सिंपली कन्वर्ट करते हो एक फाइल के अंदर, सिंपल फाइल के अंदर। सो वेल, इसको सिंपल आप एमसी पैक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, एक सिंपल फाइल को भी। कहने का मतलब ये है कि आप लोग जब आप लोग फाइल को एक्सेप्ट करते हो एंड वहाँ पे आके उस कॉपी करते हो एंड माइनक्राफ्ट में आके पेस्ट करते हो, तो उसको सिंपली आप लोग एमसी पैक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, सीधा इतना घुमा फिरा के मत करा करो, ठीक है। सो वेल, सिंपल इसको एमसी पैक में कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा ईजी है। तो वेल, पहले इस वाली फाइल को मैं पहले जिप में कन्वर्ट करता हूँ एंड फिर इसको भी एक्सेप्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं फटाफट से इसको एक्सेप्ट करता हूँ एंड एक्सेप्ट कर मैंने, ऊपर आपको जो फाइल मिल जाएगी मेरी, देखो देख सकते हो आप लोग, डायनेमिक लाइटिंग बी बिहेवियर पैक, ठीक है। सो वेल, अभी इसको सिंपल जिप में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड जैसे आप जिप में कन्वर्ट करोगे एंड जिप का सिंपल से आप लोग रीनेम कर सकते हो एंड इजीली आपकी जो फाइल है ऑटोमेटिकली एमसी पैक में चली जाएगी। तो वेल, बहुत ईजी मेथड है एंड इजीली आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग वीडियो को कम से कम दो बार तो देख ही लीजिए। एंड मुझे पता है क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आपको मैंने बताया नहीं है, वैसे सिंपल एकदम सिंपल मेथड में बता दिया। एंड एक और बात गाइस, हम लोग एमसी पैक की बात करें, एमसी पैक क्या होता है कि एक्चुअली में गाइस, जो आपकी जो फाइल होती है एक्चुअली में, आप लोग कोई भी फोल्डर या कोई भी लोग पैक डाउनलोड करते हो, सिंपली आप लोग लास्ट में आते हो एमसी पैक, तो इसका मतलब ये होगा कि आपको जो फोल्डर है, जो आपकी जो फाइल है, ऑटोमेटिकली वो एमसी पैक में चली जा सकती है। कहने का मतलब कि एमसी पैक के लिए वो आप लोग इसमें एमसी पैक का आप लोग एक्सेप्ट कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है। एंड मेन और एक और बात गाइस, सो वेल, आपको पता होगा मेरा चैनल काफ़ी ज़्यादा डेड पड़ा हुआ है। तुम लोगों से इतना रिक्वेस्ट है गाइस, तुम लोग वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना एंड वीडियो को डेली देखा करो, जिसकी मेरी वीडियो काफ़ी कम आती है, तो जब भी आएगा गाइस तभी देखा करो। एंड हाँ गाइस, एक और मेन बात गाइस, हम लोग को इस ईयर 5K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, हम लोग को 5K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने पड़ेंगे इस ईयर, हमारे बहुत बड़ा टारगेट है गाइस। सो वेल, तुम लोगों से इतना रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस, हम लोग 5K सब्सक्राइबर जल्दी हिट करने वाले हैं। सो वेल, आज के बस इतने काफ़ी है एंड हम मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।